सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। करनाल से जब हम लोग आपके गांव जुंडला की तरफ चलते हैं तो जुंडला में एंटर करने से पहले लेफ्ट हैंड साइड में एक स्कूल आता है और इस स्कूल का जो नाम है राजकीय कन्या महाविद्यालय जुंडला करनाल। ये सरकारी स्कूल है और बताने वाले ये भी बताते हैं कि ये उस दौर का स्कूल है। थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं दरवाजे आज भी वैसे हैं। बताते हैं कि जुंडला में उस दौर में सिर्फ और सिर्फ यही स्कूल हुआ करता था और सभी लोग यहाँ आया करते थे पढ़ने के लिए। इस विद्यालय के मुख्य द्वार का उद्घाटन श्रीमती उर्मिला देवी सरपंच ग्राम पंचायत जुंडला के करकमलों द्वारा दिनांक 10/11/09 को संपन्न हुआ और इसका नाम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब ये वो गलियां हैं जिन गलियों का जिक्र आप कर रहे थे, जिनका जिक्र आपसे आपके वालिद साहब ने कभी किया हुआ होगा। तो जनाब पूरे गांव में जितने भी मस्जिदें थी उनमें से एक यही एक मस्जिद है जो अब तक जिंदा है और यहाँ पर पांचों वक्त की नमाज अता की जाती है। यहाँ पे जो मुझे इमाम साहब मिले उनसे मैंने कुछ बातें की, उन्होंने मुझे कुछ बताया, वो भी आपको सुनवाता हूँ। उससे पहले मैं आपको अंदर दिखा देता हूँ कि अंदर का लुक अब कैसा है। और यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी जो मेरी समझ से बाहर थी क्योंकि मैं आप जानते हैं कि उर्दू नहीं पढ़ सकता हूँ। قطعہ تاریخ مسجد تعمیر کردہ شیخ قصابان صاحب، شیخ قصابان مسجد ای کرد تیار پیش خود بھی گفت شوق سال عمرش مسجد رمضان مخلص دین تعمیر بید المعمار حبیب اللہ خان پانی پتی سن 1922۔ جنڈلا گاؤں کے اندر جب ہم لوگ انٹر کرتے ہیں تو وہاں ایک چوک ہمیں دکھتا ہے اور چوک سے اگر آگے چلنا شروع کریں تو दाएं और बाएं कुछ दुकानें और उन दुकानों के बाद दाईं तरफ किसी ने हमें बताया कि ये वो हवेली है जो खंडर हो चुकी है, आप ये देख सकते हैं। तो हमसे रहा ना गया और हम लोग चल पड़े इसके अंदर और अंदर जाके जब हमने देखा कि हाँ यहाँ तो वाकई में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप लोग शिनाख्त कर सकते हैं। बताने वाले बताते हैं कि इस जीने पर खड़े होकर उस दौर में आने जाने वालों को देखा जाता था क्योंकि औरतें बाहर नहीं आया करती थी या किसी फंक्शन में शादी ब्याह में ऊपर से ही देख लिया जाता था कि बाहर कौन आया है। जनाब ज़रा गौर से देखिए, ये वो दरवाज़ा है जो अभी भी ज्यों का त्यों खड़ा है, कहीं ये आपका तो नहीं? ये भी हवेली थी जो उनकी थी, ये उनके भाइयों की हवेली थी जो साथ में जो खंडर बन चुकी है और ये इधर जो मकान बन चुका है ये भी हवेली उन्हीं की थी। ये सारे के चारों पांचों भाइयों की हवेली इकट्ठी थी यहाँ पे। हाँ, और ये इनके बैक साइड में गढ़ी मुल्ला आपको मैंने पहले बता ही दिया है। हाँ, और इसके साथ ही शाही मस्जिद हमारे जो उधर परली साइड में वो तो मंदिर में तब्दील हो चुकी है। इसके ऊपर देखो डबल स्टोरी थी, ये आप देख लो इसको। एंड अच्छा, बहुत कारीगर ने बहुत ही तरीके आसान तरीके किस तरह काम किया हुआ है, आजकल ऐसे काम नहीं हो पाते। और इसके ऊपर जो ये पीपल हुआ हुआ है इसके ऊपर बाहर से जो किसी की शादी वादी जिसकी होती थी उसको बाहर देखना भाई क्या हो रहा गांव में क्या नहीं, इससे ऊपर बाहर निकल के देखते थे वो लोग। हाँ, ये पीपल है, इसके ऊपर जो बरांडा था ना, इसके ऊपर बाहर बरांडा निकला हुआ था। इस ब्रांडे के ऊपर से अंदर से भी औरतें भी देख खड़ी होकर देख लेती थी क्योंकि वैसे तो वो तो बाहर निकलती नहीं थी। सही। ये बाहर जो ये छज्जे जो निकले हुए हैं ना ये सब उन्हीं की हवेली के ऊपर थे सब। इसके ऊपर एक और मंजिल थी जो तोड़ दी गई है।
इस जगह पे हरा हरा बोलते हैं हम उसको, दूध रखने की जगह। रात सुबह दूध रखा, शाम तक कटता रहा, निकलता रहा, लाल दूध हो जाता है। हाँ ये नहीं, ये तो है आड़ा, उसके साथ में भी बर्तन निकाल के रख दिया। यहाँ पे बोट चौक बहुत बड़ा हरा था, हरा था, उसके बिल्ली और कमरा सा बना होता था, बिल्ली और साथ में जाली लगी होती थी, भाई बिल्ली ना अंदर बढ़ जाए, उसको दूध को जूठा ना कर दे। और इसके ऊपर जिन्ना चढ़ता था, जो ऊपर जाने के लिए रास्ता था, यहाँ ऐसे घूम के ऐसे जिन्ना था ऊपर, जो ऊपर जाने के लिए चढ़ता था। हमारी भाषा में हमारा बोलते हैं दूध रखने की जगह, गर्म रखते हैं, सवेरे रखते हैं, शाम तक रखे रहता। और रहने के लिए भी लीडर थी सारी। बताने वाले बताते हैं कि भले ही उस दौर में अंग्रेजों का राज था, लेकिन हुकूमत इन लोगों की चलती थी। अच्छा, कमाल की बात एक और है कि इस गांव में उस दौर में दो मंजिला मकान और किसी के नहीं हुआ करते थे, सिर्फ इन्हीं लोगों के हुआ करते थे, और ना ही ये लोग किसी और को बनाने दिया करते थे। मतलब मुस्लिम कम्युनिटी जो राजपूत लोग थे, इनका ही सबसे बड़ा मकान हुआ करता था, दो मंजिला या तीन मंजिला, इसके अलावा और किसी के मकान नहीं हुआ करते थे। और ये जो आप दीवारें देख रहे हैं इतनी मोटी मोटी, ये चार चार फुटी हैं। मतलब आज हम लोग 9 इंच, 6 इंच, 11 इंच की, 11 इंच तो बहुत दूर की बात है, 9 इंच और 6 इंच की दीवारें बनाते हैं, लेकिन उस दौर में चार चार फुटी ये दीवारें थी। और ये आले बता रहे हैं कि मेरी पैमाइश कर लो, मैं गवाह हूं। एक कमरा इस जमीन के नीचे भी था, और बताने वाले बताते हैं कि ये माल को हवेली में नहीं रखते थे, बाड़े में रखते थे। मेरा मतलब माल से उस सोने चांदी हीरे जवाहरात का मतलब नहीं है, माल से मतलब है इनके जो डंगर और पशु थे, वो इसे बाड़े में रखते थे, हवेली के अंदर नहीं रखते थे। बाहर की तरफ एक एंट्रेंस के पास एक बाड़ा बना हुआ हुआ करता था, उस बाड़े के पास ये लोग रखते थे। और उस दौर में इन लोगों के पास 50, 100, 150, 200, इससे कम किसी के पास गायें भैंसे नहीं हुआ करती थी। ये सारा गड़ी मोला है, ये अभी मकान किराए नए बने हुए थे, यहाँ पे पुराने मकान बने हुए थे यहाँ पे, ये टोटल, हाँ बस ये तो इस टोटल गड़ी मोला है, यहाँ तो आपको दिखा दिया है। और ये यहाँ से पार उस मेन गड़ी में चल जाती थी। आपने जिस बैठक का जिक्र किया है, वो बैठक ये है जहाँ सब लोग बैठा करते थे, जहाँ पे लोगों की समस्याएं, लोगों की प्रॉब्लम सुनी जाती थी, वो बैठक ये है। ये बैठक अशोक जी के पास है, और अशोक जी ने ही आपकी हवेली की शिनाख्त की है। उन्होंने ही बताया है कि ये जिन बुज़ुर्गों का नाम ले रहे हैं प्रवेद साहब, ये उन्हीं की बैठक है जो हमारे पास है। और अशोक जी की वजह से ही मुझे आपकी हवेली का पता चला, उन्होंने आकर के वो ऑडियो सुना तो मुझे बताया कि हाँ जी ये
ये है जी वो बैठक। और जनाब, आपने जिस कब्रिस्तान का जिक्र किया है, वो कब्रिस्तान अब एक बाड़े का रूप ले चुका है। ये है जनाब वो जगह जहाँ पे पहले कभी कब्रिस्तान रहा होगा। अब यहाँ पशु बांधे जाते हैं, गायें भैंसे बांधी जाती हैं। और जनाब, जिस पीर का जिक्र आप कर रहे हैं वो ये है। जो चीज़ें हमें मिली हमने वो दिखाई, जो चीज़ें रह गई या तो हमें मिली नहीं या वो अब है नहीं। और जुंडला से जुड़े हुए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब से एक ये गुजारिश कि जुंडला वाले जितने भी लोग आपके संपर्क में हैं, उन्हें आप एक दूसरे को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि जुंडला के जितने भी लोग मुझे नहीं जानते हैं, कम से कम ये वीडियो देख के उन्हें इस बात की तसल्ली हो जाएगी, उनका जुंडला, उनके बुज़ुर्गों की धरती मिट्टी एक बार हम लोगों ने देख ली है। क्योंकि बड़े सारे लोगों की मुझसे ये ख्वाहिश थी और जुंडला जाने का मौका मुझे नहीं मिलता था, लेकिन ये दो लोग स्पेशली राजपाल भाई और अशोक भाई, इन दोनों की वजह से ये वीडियो बनना संभव हुआ। और जुंडला के जो लोग वहाँ हैं, सरहद पार हैं, उन सबको मेरा सलाम, और जुंडला के जो लोग यहाँ हैं उनको मेरी राम राम। शुक्रिया।